नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजु सिंह। हेलो किसान आप किसानों का अपना मनपसंद लाइव फोन इन कार्यक्रम, जहां हम खेती किसानी से संबंधित विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं, ताकि उनसे जुड़े हुए अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई आशंकाएं हैं, उन्हें हम दूर कर सकें, और साथ ही हम उन विषय पर विस्तार से चर्चा भी करते हैं, ताकि हमारे किसान जागरूक भी हो सके। तो आज के विषय क्या है जिन पर आज हम आपके सवाल लेंगे और जिन पर हम अपने विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे, आइए नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा पहला विषय है मधुमक्खी पालन, और हमारा दूसरा विषय है पॉली हाउस में सब्जियों की संरक्षित खेती। तो दोनों विषय इनसे जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर, यानी ये नंबर मुफ्त है, इन पर आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा, नोट कर लें, 1800-1130-60। दूसरा नंबर है 1800-1130-61। टोल फ्री, यानी जैसा कि पहले बताया आपको कि इस पर आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा, तो बस सोचना क्या है, फोन उठाएं और हमारा नंबर लगाएं, और जो भी आपके सवाल हैं, चाहे वो पॉली हाउस में संरक्षित खेती से जुड़ा हुआ हो या फिर मधुमक्खी पालन की ही क्यों ना बात हो, तो जरूर कॉल करें। आपकी कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। दो मेहमान हमारे साथ रहेंगे, उनके बारे में आपको बता दें, जो स्टूडियो हमारे साथ मेहमान, उनसे आपकी मुलाकात पहले करवा देते हैं। डॉक्टर डी के राणा हैं, आप मधुमक्खी पालन पर बात करेंगे, और आपको बता दें कि आप वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र उज्जवा नई दिल्ली में। तो डॉक्टर राणा हमें बताएंगे मधुमक्खी पालन के क्या लाभ हैं, कैसे किसान इससे अपना सकते हैं, इससे कैसे उनकी आय में वृद्धि हो सकती है, और साथ ही मधुमक्खी पालन को लेकर कई तरह की भ्रांतियाँ भी हैं, उन्हें भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले मधुमक्खी पालन की हम बात कर लेते हैं, क्या स्थिति है अभी हमारे देश में मधुमक्खी पालन को लेकर? मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है कि जिसको जो है किसान भाई सीख के बड़े आसानी से इसको कर सकता है, और आज की स्थिति में मधुमक्खी पालन का हमारे देश में दिनों दिन इसका जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के ने अलग 500 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए अलग रखा, प्रावधान रखा है, ताकि नए जो मधुमक्खी पालन इसमें आए वो अधिक से अधिक जो है, क्योंकि ये इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन की भी आवश्यकता नहीं है, तो किसान भाई जो परंपरागत खेती कर रहे हैं उसके साथ साथ भी मधुमक्खी पालन को आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल, परंपरागत तरीके से जो आप खेती कर रहे हैं, यानी अगर आप फसलें ले रहे हैं, धान, सरसों, गेहूं, कोई भी जो फसल ले रहे हैं आप, उसके साथ साथ आप मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं। और देखिए, अच्छी बात यह है कि मधुमक्खी पालन से जो आय आपको होनी है वो तो होगी ही, इसके अलावा जो आपकी फसलें हैं उनकी बढ़वार में या फिर कहें उनके परागण में भी मधुमक्खी पालन से काफी लाभ होता है, और आपको अच्छी फसल प्राप्त हो सकती है। तो कह सकते हैं कि एक साथ कई तरह के लाभ मधुमक्खी पालन से हमारे किसान उठा सकते हैं, और विस्तार से इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। मधुमक्खी पालन की बात करें तो ये हमारे देश में कृषि के एक महत्वपूर्ण सहायक व्यवसाय के रूप में विकसित हो रहा है। इससे न सिर्फ शहद बल्कि मोम, पराग, प्रोपोलिस, रॉयल जेली और बी वीनम जैसे बहुमूल्य पदार्थ भी मिलते हैं। इसके अलावा मधुमक्खियां जब शहद की तलाश में एक फूल से दूसरे फूल मंडराती हैं, तो फसलों में परागण बढ़ता है जिससे उपज बढ़ जाती है। वहीं देश में मीठी क्रांति लाने के लिए हनी मिशन प्रारंभ किया गया है, और केंद्र सरकार ने इसमें 500 करोड़ रुपए का प्रावधान आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया है। इस क्षेत्र में विकास करने के लिए भारत सरकार की ओर से 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जा रहे हैं, जिसमें शहद उत्पादक किसानों को भी शामिल किया जा रहा है। किसान या मधुमक्खी पालक बारीकियों को समझकर इस क्षेत्र में अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान सिर्फ शहद से ही आय नहीं ले सकते हैं, बल्कि रासायनिक मोम की जगह मधु से तैयार होने वाले मोम को भी अच्छे खासे दाम पर बेच सकते हैं। इसके अलावा मधुमक्खी जब अपने छत्ते पर शहद इकट्ठा करती है तो शहद के साथ साथ उस छत्ते पर कुछ पराग कण भी एकत्रित हो जाते हैं, और फिर ये दानों का आकार ले लेते हैं। यही दाने सूख कर पी पॉलन कहलाते हैं। मौजूदा समय में इनकी बाजार में खासी मांग बनी हुई है। बी पॉलन में फूलों का पराग, रस, एंजाइम्स, शहद और बी सिक्रेशन का मिक्सचर होता है, जिन्हें सेहत के हिसाब से काफी फायदेमंद माना जाता है। इस तरह से मधुमक्खी पालन से चहुं ओर से लाभ लिया जा सकता है। तो
तो देखा आपने कि मधुमक्खी पालन के कितने तरह के लाभ हैं, तो जरूरत है कि आप इसे अपनाएं। और अगर आप पहले से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो उसे और कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं और कैसे उसमें और बेहतर आप परिणाम पा सकते हैं, इसके लिए आप हमें कॉल करें, जो भी समस्या आ रही है वो हमें बताएं, और साथ ही हम भी आपको आज के कार्यक्रम में बहुत सारी नई नई बातें बताने वाले हैं। हमारे दूसरे मेहमान जो हमारे साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवा देते हैं। डॉक्टर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं। सर स्वागत है आपका हेलो किसान में। और आपको बता दें कि डॉक्टर प्रदीप कुमार प्रोफेसर हैं पादप विज्ञान संभाग केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। प्रदीप जी कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जैसा कि हमारा दूसरा विषय है यानी पॉली हाउस में संरक्षित खेती किस तरीके से करें, और आज हमारा विशेष तौर पर फोकस जो है वो सब्जियों पर है। तो सर संरक्षित खेती हम देख रहे हैं कि किसान इसको लेकर अब काफ़ी रुझान दिखा रहे हैं और धीरे धीरे काफ़ी प्रचलित भी हो रही है, लेकिन अगर हम विशेष तौर पर सब्जियों की संरक्षित खेती की बात करें तो कहा यह भी जाता है कि सब्जियों के लिए सबसे ज्यादा ये बेहतर है और सबसे बेहतर परिणाम है, क्या बताना चाहेंगे? सभी सुनने वाले किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने विषय रखा कि खेती सब्जियों की संरक्षित खेती जी, जैसा हम सब जानते हैं कि देश में जो जनसंख्या वो लगातार बढ़ रही है और कृषि योग्य भूमि है वो लगातार कम हो रही जी, इसलिए नई नई तकनीक जो है उसका इस्तेमाल किसान जो है वो करेंगे तो उनको निश्चित तौर पर लाभ होगा। इसी श्रेणी में जो संरक्षित खेती है वो बड़े पैमाने पर पूरे देश में की जा रही है। संरक्षित खेती का सबसे बड़ा फायदा ये पैदावार अधिक होती है, इसमें जो गुणवत्ता है यानी क्वालिटी अच्छी होती है प्रोड्यूस। तीसरा ये है कि हम उत्पादन जो है कर सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही हम तक जो वातावरण हाँ बिल्कुल सर हम दोबारा से आपसे संपर्क करेंगे, लेकिन जो मोटे तौर पर बात समझ आई आप बता रहे हैं कि संरक्षित खेती में एक तो ये है कि जो पैदावार है वो अच्छी मिलती है, इसके अलावा जो मौसम की मार है उससे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं, खासतौर पर फल सब्जी और फूलों की बात करें तो उसमें हम देख रहे हैं फूलों और सब्जियों में काफी प्रचलित है संरक्षित खेती। और साथ ही पोषण के लिए जो मौसम में सब्जियाँ चाहिए वो भी हमारे उपभोक्ताओं तक पहुंच सकते हैं, तो पोषण सुरक्षा के लिए भी कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण योगदान होता है इस तरह की फसलों का या फिर इस तरह की खेती का। तो आइए देखते पहले ये रिपोर्ट, उसके बाद सर और विस्तार से चर्चा करेंगे आपसे। संरक्षित खेती एक नई तकनीक है जिसके जरिए किसान फसलों की मांग के अनुसार वातावरण को नियंत्रित करते हुए खेती करते हैं। साथ ही संरक्षित खेती द्वारा कम से कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक गुणवत्ता युक्त फसल भी प्राप्त की जा सकती है। संरक्षित खेती में किसान खासकर पॉली हाउस का इस्तेमाल करते हैं जिसमें मौसमी सब्जियों के साथ साथ बेमौसम की सब्जियां उगाकर भी लाभ लिया जा सकता है। पॉली हाउस एक संरक्षित व फ्रेम युक्त संरचना होती है जो कि कम सघनता वाले पॉलीथीन, पारदर्शी प्लास्टिक फिल्म और कीटरोधी नेट से ढके होते हैं। इसके अंदर फसलों को नियंत्रित वातावरण में उगाया जा सकता है। गर्मी के मौसम में पॉली हाउस को ठंडा करने के लिए दोनों तरफ से पर्दे को उठा दिया जाता है और फॉगर व ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल कर मौसम के अनुकूल बनाया जाता है, जबकि ठंड के दिनों में पर्दों को गिरा दिया जाता है जिससे पॉली हाउस के अंदर तापमान बढ़ जाता है। इसके साथ ही तापमान नियंत्रण, आर्द्रता के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा तापमान, पादप पोषक तत्व आदि को नियंत्रित करना आसान होता है। पॉली हाउस में खेती करने से फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ संसाधनों जैसे मिट्टी, पानी, पोषक तत्व, फसल उत्पाद और वातावरण की गुणवत्ता भी बढ़ती है जो खेती के लिए बहुत जरूरी है। पॉली हाउस का उपयोग नर्सरी तैयार करने के लिए भी किया जाता है। इसमें बेमौसम फूल गोभी, बंद गोभी, भिंडी, खीरा, टमाटर और परवल जैसी सब्जियों की खेती की जा सकती है। पॉली हाउस में सब्जियों की संरक्षित खेती करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके जरिए किसान विपरीत परिस्थितियों में भी सब्जियों की खेती करके गुणवत्ता वाली फसल ले सकते हैं और अच्छी आमदनी भी कमा सकते हैं। तो
तो बिल्कुल आपने रिपोर्ट में भी देखा, जिसमें हमने आपको बताया कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप संरक्षित खेती कर सकते हैं, फसलें प्राप्त कर सकते हैं, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ऐसे में संरक्षित खेती की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसके अलावा अगर आप बेमौसम फल और सब्जियां बाजार में उपलब्ध कराते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके आपको दाम भी अच्छे मिलेंगे। तो अगर आपके भी कोई सवाल है, चाहे वो मधुमक्खी पालन से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो या फिर सब्जियों की संरक्षित खेती, हमें जरूर कॉल करें और अपनी समस्याओं के जवाब जानें, या फिर कोई जानकारी भी आप चाहते हैं तो भी ये मंच आपके लिए अगले एक घंटे तक उपलब्ध रहेगा। फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर, सबसे पहले आप, जैसे हमने मधुमक्खी पालन के बारे में आपने बताया और आपने ये भी जानकारी दी कि किस तरीके से सरकार भी इसको लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, शुरुआत यहीं से करते हैं। जो किसान या फिर मधुमक्खी पालक अभी इसके बारे में विचार कर रहे हैं, उन्हें शुरुआत किस प्रकार से करना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले यही होता है कि आपके मन में विचार तो आ गया, लेकिन उस विचार को धरातल पर उतारने के लिए बहुत आत्मविश्वास चाहिए और टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए। अजय, मधुमक्खी पालक जो कुछ तो मधुमक्खी पालक जो अभी कर रहे हैं और जो नए मधुमक्खी पालक जो सीखना चाहते हैं मधुमक्खी पालन का, तो उनके लिए अब नवंबर से लेकर फरवरी तक का उचित समय है। आपको शुरुआत अगर मधुमक्खी की करनी है तो ये समय आपके लिए उचित है, क्योंकि इस समय जो फ्लोरा है तो काफ़ी बहुत मात्रा में मिलता है। दूसरा ये कि जब आप शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि मधुमक्खी पालन जो है थोड़ा सा तकनीकी चीजें हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक प्रशिक्षण लेना जरूरी है, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप जो अपने जिले के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहां से भी एक प्रशिक्षण ले सकते हैं, या निकट के जो है कृषि विश्वविद्यालय वहां से भी ले सकते हैं, या खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप नेशनल बी बोर्ड के माध्यम से भी ले सकते हैं, वो जिले के जो राज्य के जो कृषि विभाग है उनके माध्यम से भी आप इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसका प्रशिक्षण लेने के उपरांत जब आप प्रशिक्षण ले लेते हैं, आप इसकी पूरी आपको पूर्ण जानकारी होती है, क्योंकि मधुमक्खी पालक को तब तक पूरी चीज़ उनके मधुमक्खी के क्या क्रियाकलाप हैं उनके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होगी, तब तक उसको जो है शुरुआत उसको नहीं करनी चाहिए। पूरे क्रियाकलाप के बारे में, ये क्या क्या कार्य करती है, कब ये बाहर जाती है, इसका क्या कार्य है, कब शिशु होते हैं, क्या इसका एग होते हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी जानकारी होनी चाहिए कि साल भर इनको फ्लोरा यानी कि नेक्टर और जो पोलन है वो कहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं, वनस्पति मिलती रहनी चाहिए। बिल्कुल, इनको जो है फूल, जिसको कहते हैं फूल के अंदर जो नेक्टर और पोलन होता है वो कहाँ से मिल सकता, क्योंकि इनके लिए अच्छा उत्पादन शहद के लिए जरूरी है कि 12 महीने इनको कहाँ फूल मिल सकता है, तो आपको इस बारे की जानकारी आपको होनी चाहिए। बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक तो तकनीकी जानकारी बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र का रुख कर सकते हैं, वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं, और इसके साथ साथ आप हमारा कार्यक्रम भी देखिए, इससे भी आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। आइए बात करते हैं, एक को हमारे दर्शक हैं केदारनाथ चौहान जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है। केदारनाथ जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है। हाँ मैडम जी, मेरा सवाल ये है कि क्या पॉली हाउस में परवल की खेती की जा सकती है? परवल की खेती, यही जानना चाहते हैं आप? ठीक है, डॉक्टर प्रदीप आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो डॉक्टर प्रदीप जी, जी सुन पा रहा हूँ जी। ये हमारे दर्शक हैं जिन्होंने हमें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से कॉल किया है, ये जानना चाहते हैं कि क्या पॉली हाउस में परवल की खेती की जा सकती है, क्या ये सक्सेस रहेगा और क्या इससे लाभ हो पाएगा उन्हें? मेरा सुझाव है कि परवल की खेती जो है वो पॉली हाउस में लाभदायक नहीं रहेगी। जी बिल्कुल केदारनाथ जी, पॉली हाउस में परवल की खेती के विषय में विचार करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी ठीक है, तो सर अब चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने परवल के बारे में बताया कि परवल की खेती पॉली हाउस में उतनी कामयाब नहीं है या फिर सही विचार नहीं रहेगा ये, तो ऐसे में किन किन सब्जियों के बारे में हमारे किसान अपनी योजना बना सकते हैं? पॉली हाउस में कौन कौन सी सब्जियां हैं जो सक्सेसफुल रहती हैं? हाँ, पॉली हाउस में जो तो पॉली हाउस के अंदर का जो स्पेस है जिसको हम वर्टिकल स्पेस कहते हैं ऊपर की तरफ, उसका उपयोग अधिक से अधिक हो ऐसी फसलें, यानी कि बेलनुमा फसलें कह सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च हो गई, टमाटर हो गया, खीरा, फ्रांस बीन, इस तरह की जो फसलें हैं उनको पॉली हाउस के अंदर लगाया जा सकता है, और ऐसी ही फसलें जो है वो अधिक लाभकारी
होती है पॉली हाउस के अंदर, क्योंकि वो जो पॉली हाउस के अंदर स्पेस जो होता है वर्टिकल स्पेस, मैंने एक पहले भी कहा, उस स्पेस का उस बात उस स्थान का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल फसल करे तभी वो लाभदायक होता है। बिल्कुल, ये तो कुछ फसलें हैं। जी जी सर, कुछ बता रहे थे आप। इसके अलावा भी और फसलें हो सकती हैं जिनको हम मुख्य फसलें तो नहीं कहते पॉली हाउस की, लेकिन वो बीच बीच में उनका उपयोग किया जा सकता है जब किसान के पास दो फसलों के बीच में कोई समय है, यानी शिमला मिर्च और टमाटर या खीरा लगाने के बीच में अगर उसके पास समय है, किसान के पास पॉली हाउस खाली है, तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन अल्पकालीन समय के लिए जो फसलें होती हैं उनका उपयोग वो कर सकता है। कुल मिलाकर के मेरा सुझाव यही है कि पॉली हाउस में जो बेल वाली फसलें होती हैं ऊपर की तरफ जाएं, और एक सबसे महत्वपूर्ण विषय इसमें यह है कि जिसमें पर परागण ना होता हो, स्व परागण होता हो, यानी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होती हो, सेल्फ पॉलिनेशन होती हो, वही फसलें जो है पॉली हाउस में किसानों को उगानी चाहिए। जी ठीक है सर। एक कॉलर है नंद स्वरूप मिश्रा है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से में कॉल किया है, आइए बात कर लेते हैं नंद स्वरूप जी से। जी सर बताएं क्या सवाल है। नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश जी। हाँ बताइए। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो मधुमक्खी पालन हम लोग करते हैं तो ये उस जगह हमारा वातावरण कैसा होना चाहिए, हम लोग खेती करते हैं रासायनिक दवा डाल देते हैं उसे हमारे मधुमक्खियों को नुकसान होता है या कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े जो हमारे मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनसे कैसे बचे। दूसरी चीज, जिस समय फूल नहीं होता है तो मधुमक्खियों के जीवन यापन के लिए हमें उनकी कौन सी व्यवस्था रखनी चाहिए। ठीक है नंद स्वरूप जी, बहुत अच्छे प्रश्न किया आपने। तो डॉक्टर राणा, सबसे पहले तो हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं कि जहाँ भी मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं या फिर मधुमक्खी के बॉक्सेस लगाना चाहते हैं वो जगह कैसी होनी चाहिए, किन बातों को वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने अच्छा सवाल पूछा कि आपको इस सबसे पहला है जरूरी स्थान का चुनाव कि आपको मधुमक्खी के लिए ऐसा स्थान का चुनाव करना है जहाँ आसपास एक तो स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो, दूसरा जो आसपास जो फूल है यानी कि फ्लोरा है जिससे नेक्टर और पोलन मिलता है वो वहाँ आसपास का किसान भाई अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल, रासायनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल तो नहीं करने है। क्योंकि स्थान का चुनाव करने पर जैसे मैंने तो पहले भी बताया था कि आपको पूरे साल ये देखना है कि कहाँ हमको नज़दीक आपको फ्लोरा यानी कि फूल मिल सकता है, और उसके साथ साथ ये भी देखना है कि पेस्टिसाइड का अधिक इस्तेमाल ना हो, नहीं तो मधुमक्खी को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नुकसान अवश्य होगा। तो इस ये ध्यान आपने एक और रखना है कि आप जहाँ भी मधुमक्खी को रखेंगे वो जो हाईवे रोड है उससे आपको कम से कम 500 मीटर अंदर आपकी जो साइट है वो होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान आपने जरूर रखना पड़ेगा। पेस्टिसाइड का बिल्कुल आपने अच्छे कहा कि ये ध्यान रखना है कि अधिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल जो हमारी मधुमक्खी है, क्योंकि जो पेस्टिसाइड होती हैं वो विभिन्न रेजिडुअल इफेक्ट अलग अलग होते हैं उनके, तो ऐसी पेस्टिसाइड ना हो जो मधुमक्खियों को नुकसान करती हो, तो ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना होगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, एक तो बात आपने बताई कि जो मुख्य मार्ग है या फिर हाईवे है वहां से कम 500 मीटर आपने बताया जी, उससे कम अंदर होनी चाहिए, उससे अंदर होनी चाहिए मतलब बिल्कुल हाईवे पर नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि गाड़ियों की जो तेज आवाज है या फिर जो धुआं है उससे मधुमक्खियों को नुकसान होता हो। और दूसरी बात यह है कि ऐसी जगहों पर आप मधुमक्खी पालन ना करें या फिर ऐसे खेतों में बक्से ना लगाएं जहां पर बहुत ज़्यादा केमिकल्स का या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि उस पेस्टिसाइड का विपरीत असर आपके मधुमक्खियों पर भी पड़ सकता है, उनकी भी मृत्यु हो सकती है। बहरहाल इसी के साथ ही हाँ, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आपका आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा, ज़रूर हमें फ़ोन करें। चलते चलते एक बार फिर से आपको बता दें आज के हमारे विषय हैं मधुमक्खी पालन और साथ ही कैसे हमारे किसान पॉली हाउस में सब्जियों की खेती कर लाभ ले सकते हैं। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा, मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मांगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है, समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा,
उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोक किसान। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आज के विषय के बारे में एक बार फिर से आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं मधुमक्खी पालन की और साथ ही कैसे पॉली हाउस में सब्जियों की संरक्षित खेती आप कर सकते हैं। एक कॉलर जुड़ रहे हैं, विपिन है हमारे साथ फोन लाइन पर। आइए बात करते हैं। नमस्कार विपिन जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है। जी मैम नमस्ते। मैम मेरे दो सवाल हैं। जी बिल्कुल बताएं। मेरा एक दोस्त है, युवा है, अभी 20-25 साल का है। मैंने एक बार और आपका कार्यक्रम देखा था तो मधुमक्खी पालन के बारे में उनको बहुत सारी जानकारी दी थी, लेकिन दो सवाल थे मेरे जो मैं जानना चाह रहा था कि शुरुआती दिनों में अगर हम करेंगे तो प्रति माह मतलब शुरुआती दिनों में कितनी आय हो सकती है, और दूसरा सवाल ये था कि जो बॉक्स रहते हैं क्या उनको जगह बदलनी पड़ेगी या फिर कहीं बदल बदल के ले जाना पड़ेगा या फिर एक ही जगह पर मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अच्छे सवाल हैं आपके, और ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि युवा जो हैं इस क्षेत्र में मधुमक्खी पालन को लेकर अवसर तलाश रहे हैं, और ये बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा कदम है आपके दोस्त का। सर क्या बताना चाहेंगे? मधुमक्खी पालन तो जैसा आपने बताया कि हमारा दोस्त यंग है, मगर मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है, इसको यंग भी कर सकते हैं, उसको महिला भी कर सकती है, उसको बुजुर्ग भी कर सकता है, उसको कम पढ़ा लिखा भी कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता, पढ़े लिखे की भी आवश्यकता नहीं है। आपका जो है आप करना चाहते हैं, पहले तो सबसे पहले ये है कि आपको फूल, जहाँ भी फूल होगा फ्लोरा, क्योंकि एक जगह रख के इसको आप मधुमक्खी का पालन का काम जो है व्यवसायिक रूप से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक दो महीने आपके पास फूल नहीं है तो आप आर्टिफिशियल भोजन भी मधुमक्खी को दे सकते हैं, पर पूरे साल आपको जो है भोजन यानी कि मधुमक्खी को भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, फूल की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर मधुमक्खी को ले जाना पड़ेगा एक अच्छे शहद उत्पादन के लिए। जी तो सर ये इनका सवाल था कि क्या ये डब्बे उठाने पड़ेंगे बार बार, तो किस तरीके से ये संभव हो पाता है, क्योंकि मान लीजिए एक जगह है तो जहाँ पर उनके खेत है वहाँ पर कुछ दिनों के लिए रखा तब वहाँ पर फूल थे, और कुछ टाइम बाद अगर फूल नहीं है तो ये जो जगह बदलनी होती है किस तरीके से किया जाता है? ये आपको जगह जहाँ जैसे अभी बात करें हम सरसों की, अगर सरसों का सीजन आएगा तो आप वहाँ उनको रख सकते हैं, इसके बाद जब फूल खत्म होने लगता है तो उनको आपने दूसरी जगह, क्योंकि जो स्थान का चुनाव होता है तो वो आपने पहले से ही करना होगा, ये देखना पड़ेगा कि अब आपको फूल कहाँ मिल सकता है, मधुमक्खी कौन सी फसल जो है इस समय तैयार होगी जहाँ फूल मिल सकता है, तो ये मधुमक्खी को आपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ये चुनाव करना पड़ेगा, समय होगा रात का, आप इसको दिन में इसको नहीं कर सकते, रात में ही एक स्थान से आप दूसरे स्थान पर इसको ले जा सकते हैं। ये भी साथ में ध्यान रखना है कि आपकी दूरी कितनी होगी, क्योंकि लगातार 10-12 घंटे से ज़्यादा आप जो है जर्नी यानी कि ट्रांसपोर्ट में मधुमक्खी को नहीं ले जा सकते, अगर ज़्यादा दूर आपको ले जाकर जाना है तो बीच में कहीं ना कहीं आपको मधुमक्खी को आपको एक दिन के लिए, 48 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए आपको रोकना पड़ेगा, तब उसके बाद आप दूरी तय कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए भोजन की पानी की बीच में आवश्यकता पड़ेगी, तो रात के समय आप इसका जो है माइग्रेशन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप ले जा सकते हैं जहाँ फूल होंगे। बिल्कुल, एक कॉलर हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। विपिन ही हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो 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 जी नमस्कार विपिन जी, बताइए क्या सवाल है। मैम हमें पॉली हाउस के बारे में जानना है। जी क्या जानना चाहते हैं पॉली हाउस के बारे में? उसकी खेती किस प्रकार से की जाए और मैम उसका सारा सामान कहाँ से मुहैया कराए जो कम लागत हमारे हमको उपलब्ध हो जाए कम लागत। जी विपिन जी बात कर लेते हैं, डॉक्टर प्रदीप जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर प्रदीप ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से पॉली हाउस में सब्जियों की खेती की जाए, और जो ये पॉली हाउस बनाए जाते हैं इसका मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होगा, ये संरचनाएं किस प्रकार से बनाई जा सकती हैं या किससे बनवाई जा सकती हैं, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। अच्छा प्रश्न है इनका। सबसे पहले तो मेरा सुझाव यही है कि अगर आप पॉली हाउस में खेती करना चाहते हैं तो संबंधित जो कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विश्वविद्यालय है या कृषि विभाग है या अन्य कोई कृषि से संबंधित विभाग है,
वो पॉली हाउस से संबंधित प्रशिक्षण देते हैं सबसे पहले जी। तो आपको सबसे पहले प्रशिक्षण लेना है कि पॉली हाउस में खेती कैसे करनी है, क्योंकि प्रशिक्षण के बिना जो पॉली हाउस की खेती है वो संभव नहीं है या उसमें बाद में नुकसान हो सकता है। दूसरा, इन्होंने कहा कि वो मटेरियल कहाँ से मिलेगा, तो जो संबंधित कृषि विभाग है वो इसके लिए टेक्निकल नो हाउ यानी कि तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध करवाते हैं, इसके साथ साथ सब्सिडी भी देते हैं, और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो पॉली हाउस का निर्माण करती हैं, सरकारी संस्थाएं भी हैं और निजी संस्थाएं भी हैं। तो मेरा सुझाव इनसे यही है कि कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग जो नजदीक है वहां एक बार अपनी बात रखें और प्रशिक्षण लेकर के ही अपना पॉली हाउस की खेती के बारे में विचार करें। जी बिल्कुल जी, हाँ तो बिल्कुल विपिन जी आप समझ गए होंगे, आप जो भी आपके क्षेत्र में आपके जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ आप जरूर जाएं, वहाँ से जानकारी हासिल करें, ट्रेनिंग लें, और इसके अलावा अगर आपके इलाके में कोई कृषि विश्वविद्यालय है तो वहाँ भी जा सकते हैं। एक और कॉलर है, आइए उनसे हम बात करते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार जी, मैं जानना चाहता हूँ कि हमें जो है मधुमक्खी पालन के लिए जो है कि भारत सरकार देगी या प्राइवेट से लेना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर राणा, क्या बताना चाहेंगे, ये झारखंड माफ कीजिएगा उत्तराखंड से दर्शक हमारे। आप अगर मधुमक्खी का काम शुरू करना चाहते हैं तो आप जो है इसके पहले जो आपका कृषि विज्ञान केंद्र है आपके जिले का वहाँ से आप संपर्क करिए, तो वो आपको बताएंगे, क्योंकि कुछ जो पुराने बी कीपर होते हैं वो भी मधुमक्खी को जो है बॉक्स समेत या पूरे की पूरी जो है वो देते हैं, या वहाँ जो आपका कृषि विभाग है वहाँ भी जो है आपको सरकारी संस्थाएं भी कुछ जो है आपको बॉक्स उपलब्ध करा सकती है मधुमक्खी पालन के लिए, जैसे एपिस मेलिफेरा मैंने बताया प्रजाति आप ले सकते हैं, वो उत्तराखंड में जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ बहुत अच्छा जो है स्कोप है मधुमक्खी पालन का, तो आप दोनों ही जगह से आप पता कर सकते हैं जहाँ से आपको अच्छी चीज़ मिले। दूसरा ध्यान रखना, थोड़ी विश्वसनीय का ध्यान रखना है, क्योंकि जो हम चीज़ ले रहे हैं क्या वही हमको मिल पा रही है, एपिस मेलिफेरा प्रजाति हम ले रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि जो हमारा बॉक्स है वो किस लकड़ी का बना हुआ है, कैल की लकड़ी का बना अच्छा बॉक्स होता है तो उसका आप ध्यान रखें, साथ ही साथ जो हमारी मधुमक्खियां हैं क्या वो बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है, स्वस्थ हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, रानी मधुमक्खी है हमारी क्या वो हेल्थी है यानी कि स्वस्थ है वो भी आपने ध्यान रखना है। तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए आप किसी जो है मधुमक्खी पालन जो करता है पुराना है उससे भी आप ले सकते हैं, सरकारी संस्था के द्वारा भी आप उसको ले सकते हैं। जी सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि जो प्रजातियां हैं उसका चुनाव भी करना बहुत ज़रूरी होता है, तो ऐसे में कौन कौन सी फ्रेंडली प्रजातियां हैं जिन्हें मधुमक्खी पालन में हम ले सकते हैं, और क्या जहां मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं वहां क्या तापमान या भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं इसका भी ध्यान रखना पड़ता है और उसी के अनुसार ही हमें प्रजातियों का चुनाव करना चाहिए, क्या बताना चाहेंगे। देखो जब हम व्यावसायिक रूप से मधुमक्खी पालन का कार्य करते हैं तो हमको ये देखना होता है कि किस प्रजाति से हमको ज़्यादा फायदा हो सकता है, फायदा तब होगा जब वो शहद की मात्रा उससे अधिक मिलती हो, साथ ही साथ जो दूसरी पहले क्या था मधुमक्खी को सिर्फ शहद के लिए पाला जाता था, शहद के लिए जानते हैं, पर अब मधुमक्खी को शहद से अलावा भी जैसे कुछ उत्पाद हैं, पर पोलिश है, बी वेनम है, आपके रॉयल जेली है, आपके मोम है, इनके लिए भी उसको पाला जाता है, साथ ही साथ जो सबसे ये तो डायरेक्ट रूप से फ़ायदा होता है, इनडायरेक्ट रूप से जो मधुमक्खी से फायदा होता है वो होता है आपके फसलों में उत्पादन में योगदान, फसल उत्पादन में योगदान, जो परागण जो फसलें होती हैं उनमें मधुमक्खी के द्वारा जो है फ़ायदा होता है, तो इस तरह से जो है इन चीज़ों का मधुमक्खी पालक को ध्यान रखना पड़ेगा, तब वो जो है सारी चीज़ों को, क्योंकि शहद के अलावा सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, तो इसके लिए एपिस मेलिफेरा जो प्रजाति है जिसको कहते हैं इटेलियन मधुमक्खी, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 5 तरह की जो प्रजातियाँ हैं वो प्रचलित हैं, पर सबसे ज़्यादा क्योंकि इसका जो स्वभाव है वो भी थोड़ा सा नरम स्वभाव की होती है कि ज़्यादा परेशानी इसके द्वारा मधुमक्खी पालक को नहीं होती, जैसे दूसरी है इसके द्वारा एक और है कि मधुमक्खी पालक को 25 से 40 किलोग्राम शहद एक साल में लगभग प्राप्त हो जाता है। दूसरी मधुमक्खी है जिसको कहते हैं पहाड़ी मधुमक्खी एपिस डोरसाटा, पर उसको पालना आसान नहीं, शहद का उत्पादन उसका भी बहुत अधिक है, पर वो स्वभाव उसका ऐसा होता है कि उसको पालना उचित नहीं है, उसको पाला नहीं जा सकता क्योंकि उग्र स्वभाव की वो होती है,
तो एपिस मेलिफेरा को जो है अपने मधुमक्खी पालक या जो भी सीख करके एपिस मेलिफेरा को पाल सकते हैं जी। और अब बात कर लेते हैं जो हम संरक्षित खेती की बात कर रहे हैं सर, संरक्षित खेती के बारे में हमने देखा कि कई युवा जो हैं वो कॉल कर रहे हैं, वो जिसके बारे में जानना चाहते हैं। आपने भी बताया कि कौन कौन सी सब्जियां इसमें बेहतर तरीके से ली जा सकती हैं, लेकिन क्या सरकार की तरफ से भी किसी तरह का अनुदान है, क्योंकि जो संरचनाएँ हैं उनमें काफ़ी पैसा लगता है, हालांकि कई वर्षों के लिए हो जाते हैं एक बार बनाने के बाद, लेकिन फिर भी जो शुरुआती जो कैपिटल है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें लगता है, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? हेलो, इसमें बहुत सारी सरकारें जो हैं, प्रदेश सरकारें, राज्य सरकारें, वो इसमें जी जी बहुत सारी राज्य सरकारें जो हैं वो इसमें सब्सिडी दे रही हैं। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में लगभग 80-90% के बीच में जो है वो पॉलीहाउस बनाने के लिए सरकार सब्सिडी देती है। इसके अलावा जो बागवानी बोर्ड है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB, वो भी इस पे सब्सिडी देता है और बैंक भी इसमें जो है वो फाइनेंस करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो पॉलीहाउस निर्माण के लिए जो है वो सब्सिडी देती हैं। तो युवा जो इस खेती में जाना चाहते हैं वो एक मैंने पीछे कहा, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ कि अब कुछ सरकारों ने जो प्रशिक्षण है उसको मैंडेटरी किया है, उसके बाद ही प्रशिक्षण के सर्टिफिकेट के बाद ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इसमें ऋण की सुविधा उपलब्ध करवा रही हैं। जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि अगर इसका प्रशिक्षण ले लेंगे या फिर ट्रेनिंग ले लेंगे तो और बेहतर रहेगा, और कई जगहों पर ये अनिवार्य भी है, अगर आप ऋण लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो बैंक की तरफ से ये एक ज़रूरी चीज़ हो सकती है। और वैसे भी हमने देखा है कि जो भी कृषि संबंधी व्यवसाय आप करना चाहते हैं और अगर उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपने ली है, उसका सर्टिफिकेट है, तो उसमें बैंक से लोन मिलने में काफ़ी सहूलियत भी हो जाती है। बहरहाल यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहें लोग के साथ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशु बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो, आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो, सिर्फ पैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचान PGS ऑर्गेनिक का ये लोग, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स पास लाऊंगी। अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ, पर हम तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं लोग किसान। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, हेलो, हाँ जी मैडम, जी रामपाल जी बताइए क्या सवाल है। हाँ जी मैडम जी नमस्ते। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं रामपाल जी? हाँ मैडम जी, मेरा सवाल मैडम जी ये है, जैसे मधुमक्खी के बारे में बता रहे आप बोलिया, उसके बारे में कोई ऐसी संस्था होगी जो सामान लेना हो, उसका फोन नंबर एड्रेस वगैरह हो,
अच्छा आप जानना चाहते हैं, नहीं किसके बारे में, पॉली हाउस के बारे में जानना चाहते हैं या फिर मधुमक्खी पालन के बारे में? हेलो हेलो, चलिए शायद हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही उन तक। सबसे पहले हम पॉली हाउस में बात कर लेते हैं। डॉक्टर प्रदीप शायद ये जानना चाह रहे हैं कि अगर पॉली हाउस बनवाना है तो उसका मटेरियल कहाँ से मिलेगा, चीज़ें कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और ये सवाल हमारे एक और दर्शक का भी था, उसके लिए कोई संपर्क के लिए कोई नंबर या कोई एड्रेस जहाँ पर वो जा सके। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो पॉली हाउस का निर्माण करती हैं। इसके लिए मुझे लग रहा है कि इनको, जो मैंने शुरू में कहा कि अगर आपके कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र में जाएंगे तो बहुत सारी सरकारों ने कई कंपनियों के साथ अनुबंध कर रखा है जहां सरकारें सब्सिडी देती हैं पॉली हाउस बनाने के लिए। तो जब सरकार सब्सिडी देती है तो उनका एक प्रदेश स्तर पर एक एग्रीमेंट होता है कि कौन सी कंपनी जो है पॉली हाउसेस किसान के खेतों में बनाएगी। तो एक तो तरीका ये है, अगर वो सब्सिडी अवेल नहीं करना चाहते हैं, अपने आप ही इस पॉली हाउस के लिए प्रयास करना चाहते हैं, तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। मुझे लग रहा है कि मैं किसी एक कंपनी का नाम इस प्लेटफॉर्म से ऐसे मुझे लग रहा अच्छा लग रहा लेना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो पॉली हाउस बनाती हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। तो किसी से भी वो, आजकल तो गूगल और इंटरनेट का जमाना है, तो कहीं भी वो जानकारी जो उसकी ले सकते हैं। दूसरा, अगर वो सरकारी क्षेत्र में सब्सिडी लेकर के बनाना चाहते हैं तो मेरा सुझाव यही रहेगा, कृषि विज्ञान के अंदर या कृषि विभाग से वो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये उनके लिए ज्यादा फायदा रहेगा। ठीक है डॉक्टर राणा, और मधुमक्खी पालन के बारे में भी ये जानना चाहते थे शायद, मधुमक्खी पालन में इनका सवाल ये कि जो बॉक्सेस होते हैं वो कहाँ से मिलेंगे? बिल्कुल, मधुमक्खी पालन का अगर आप बात कर रहे हैं कि ये सामान जो है जो आपको कहाँ से मिल सकता है, तो सामान जाने के लिए आपके लिए हरियाणा में, जैसे आपका कृषि विज्ञान केंद्र है झज्जर में, आपका जो झज्जर से नजफगढ़ को जो रोड गया है उसी पे कृषि विज्ञान केंद्र पड़ता है, वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से बी कीपर मेरे पास मेरी जानने में हैं जो झज्जर के आसपास मधुमक्खी पालन का कार्य करते हैं। तो अभी मैं उसका नंबर चूंकि मेरे पास नहीं है, मैं आप कल भी मेरे से संपर्क कर कृषि विज्ञान केंद्र में उनके नंबर चाहें तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। वो दिल्ली में भी कई लोग जो है, आपका नजफगढ़ के पास रावता गांव पड़ता है, वो भी बहुत बड़े बीकीपर हैं, वो भी किसानों को, जो नए बीकीपर हैं उनको बॉक्स मधुमक्खी सहित वो उपलब्ध कराते हैं, वहां से भी आप कर सकते हो। साथ ही साथ खादी ग्राम उद्योग से भी, आप दिल्ली के पास हो क्योंकि झज्जर ज़्यादा दूर नहीं है, तो उनसे भी आप संपर्क करके वहां से भी आप ले सकते हो, वो नेशनल बी बोर्ड के माध्यम से भी आप उनसे बात कर सकते हो। जी, एक कॉलर है राकेश कुमार है जिन्होंने सिरसा से में कॉल किया है, हरियाणा से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी राकेश जी बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो जी राकेश जी बताइए क्या प्रश्न है। हाँ जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार जी, पॉली हाउस पर सब्सिडी कितनी मिलेगी और लागत कितनी लगती है जी? ठीक है डॉक्टर प्रदीप, ये जानना चाहते हैं कि पॉली हाउस में सब्सिडी कितना है और कितनी लागत आती है, अगर ये शुरुआत करते हैं तो कितने बड़े स्ट्रक्चर से या कितनी लागत से शुरुआत कर सकते हैं? हाँ, अगर सबसे छोटा यूनिट हिमाचल प्रदेश में 100 स्क्वायर मीटर का है, इससे बड़ा स्ट्रक्चर अगर ये प्लेन की बात कर रहे हैं सिरसा जैसे आपने कहा हरियाणा, तो वहाँ जो छोटे से छोटा स्ट्रक्चर है वो 250 स्क्वायर मीटर यानी कि 250 स्क्वायर मीटर का जो स्ट्रक्चर है पॉली हाउस उसका निर्माण जो है वो कर सकते हैं। हालांकि इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, 500 स्क्वायर मीटर 1000 स्क्वायर मीटर जो इनकी जमीन वहां उपलब्धता क्या है उसके अकॉर्डिंग ये साइज उसका कर सकते हैं, लेकिन जो एक मिनिमम कम से कम स्ट्रक्चर बनाए वो 250 स्क्वायर मीटर 250 स्क्वायर मीटर का ये बना सकते हैं, और इसको बनाने में लगभग 4-5 लाख रुपए का खर्चा आएगा अगर सब्सिडी के साथ बनाते हैं। जैसे मैंने कहा हिमाचल प्रदेश का उदाहरण दिया कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 80% सब्सिडी है और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है वो 50% सब्सिडी देता है, इसी तरह से अगर हरियाणा राज्य सरकार की कोई स्कीम है कोई योजना है तो वो उसका फायदा ले सकते हैं। जी जी सर बिल्कुल, तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से आप पॉली हाउस में मदद ले सकते हैं, जो सरकार की तरफ से योजनाएं हैं अनुदान है उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और चलिए अब मधुमक्खी पालन पर बात कर लेते हैं सर, जैसे कि अभी जो हमने ज़्यादातर बात की वो
किस तरीके से मधुमक्खी पालन में शुरुआत करें या फिर डब्बे कैसे स्थापित करें, उसके बाद जब ये शहद बनने लगता है उसके बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे हमारे किसान अलग अलग जो इसके प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, वो ले सकते हैं। बिल्कुल, शहद जो है, आप सबसे पहला शहद की जैसे हम बात करते हैं तो शहद लेने के लिए, क्योंकि इसके लिए फूल होना चाहिए जैसे मैंने पहले भी बताया, इसीलिए इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। तो शहद के लिए जैसे अभी सरसों का समय आएगा, क्योंकि मैंने पहले शुरुआत में ही बताया था कि अभी नवंबर से लेकर फरवरी तक मधुमक्खी का कार्य करने के लिए सबसे उचित समय है। तो इस समय आप लेकर जाते हो, जो फूल अगर है, सरसों का फूल है या तोरिया का फूल है, तो इसमें आपका लगभग 15 से 20 दिन में अगर सब चीज़ ठीक है, क्योंकि मौसम के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। कई बार मौसम अगर ख़राब है तो मधुमक्खी जो है, वर्कर मधुमक्खी हैं, वो बाहर जो है फ्लोरा के पास नहीं जाती, नेक्टर और पोलन नहीं ले पाती, तो उनको अंदर ही रहना पड़ता है। उस समय शहद की मात्रा, क्योंकि वो इस्तेमाल भी करती है, तो ज़्यादा नहीं होती। तो अगर सब कुछ ठीक है, फ्लोरा ठीक है, मौसम ठीक है, तो 15 से 20 दिन में जो हमारा जो आपका फ्रेम है वो लगभग 90% सील्ड हो जाते हैं। तो उस समय हमें कुछ समझना चाहिए कि हमारा जो शहद है, जब सील्ड हो जाते हैं 90%, तो इसका मतलब तैयार है। उसको फिर जो है, क्योंकि मधुमक्खी एक कीट है, जीव है, तो उससे जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो वो थोड़ा सा उग्र होती है, तो उसको करने के लिए हम कोई अलग या तो कमरा हो उसमें हम शहद का एक्सट्रैक्शन करते हैं, शहद का निर्माण करते हैं, या फिर कोई नेट बनाना चाहिए। नेट हो तो उसके अंदर फिर मशीन को रख के वहाँ से फ्रेम के माध्यम से लाया जाता है, उससे जो है शहद निकाला जाता है। इसी तरह उसी समय जो आपका जो मोम है उसका भी जो है वो इकट्ठा किया जाता है, और जब पोलन अधिक होता है, जैसे अभी सरसों की बात कर रहे हैं, तो पोलन उस समय अधिक होता है, तो पोलन गेज लगा के पोलन को भी एकत्रित यानी के किया जा सकता है। तो इसी तरह से अलग अलग जो उत्पाद हैं उनको जो ये समय बहुत अच्छा होता है कि जब पूरी की पूरी दोनों ही नेक्टर भी उपलब्ध हैं और पोलन भी उपलब्ध हैं, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो जी। और सर, हमने ये भी देखा कि बीमारियों की भी आशंका रहती है, और जैसे कि आपने शुरुआत में भी इसका जिक्र किया था कि जब भी आप मधुमक्खियां लें तो ये जरूर ध्यान रखें कि कोई बीमारी तो नहीं है, तो इस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो जी, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। हाँ, वही बोल रहे हैं कि कहाँ परीक्षण होगा, कैसे कैसे क्या किया जाता है, आप लोग बताइएगा तब तक करेंगे, हम लोग तो धान गेहूँ खाली करते हैं। अच्छा, आप मधुमक्खी पालन के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, अभी टीवी में हम देखे आपका नंबर लिख लिए जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप धान गेहूं के आगे भी कुछ सोच रहे हैं, और यही हमारा मकसद भी है कि हमारे किसान जो अलग अलग उनके लिए विकल्प हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको जानें, उनको समझें और अपने जीव अपने खेती में उन्हें अपनाएं। तो सर, हमारे दर्शक हैं बिहार से, रोहतास से हैं ये, और ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से करें मधुमक्खी पालन। बिल्कुल, जो आप अपनी परंपरागत खेती करते हैं उसके साथ साथ मधुमक्खी का पालन का काम आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको, जैसे आपने प्रशिक्षण की बात की, तो आपके जिले का जो प्रशिक्षण केंद्र है यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र है, रोहतास आपका जिला है, तो वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है। आप मोबाइल पर नेट पर डालेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास, तो आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा। उस एड्रेस में वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं कि भाई आपके यहाँ मधुमक्खी पालन की जो प्रशिक्षण है वो कब होता है, तो वो आपको बताएंगे ये प्रशिक्षण तब होता है। तो या वहाँ अगर हो चुका हो तो पास के कृषि विज्ञान केंद्रों में से भी आप ले सकते हैं। प्रशिक्षण लेने के उपरांत, चूँकि ये कहीं 10 दिन का भी होता है, कहीं 21 दिन का भी होता है, इसके अलावा आपका जो खादी ग्राम उद्योग के भी जगह जगह सेंटर्स हैं वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। तो आप इसका प्रशिक्षण लेने के उपरांत, और ये देखना है कि आपके आसपास फूल जो है, कौन कौन सी फसलों की खेती होती है आपके जो है, क्योंकि 10, 20, 50, 100 किलोमीटर की दूरी में आपकी कौन सी फसलें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इसकी खेती का, इसको पालने के लिए आपको ज़रूरी है कि फूल होना ज़रूरी है जी। बिल्कुल, और इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी भी थोड़ा समय बाकी है, और हमारी यही कोशिश रहती है, ये प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के, किसानों के सवालों के हम जवाब दे सकें। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, ज़रूर लेंगे आपका कॉल छोटे से ब्रेक के बाद। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले,
पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे, अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी, फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी स्वतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं हेलो किसान। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्ञानेश्वर जी हैं फोन लाइन पर, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो ज्ञानेश्वर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो बताइए कि महाराष्ट्र सरकार पॉली हाउस के लिए कितनी सब्सिडी देती है? महाराष्ट्र में कितनी सब्सिडी मिल सकती है, ये जानना चाहते हैं ना प्रदीप जी। हमारे दर्शक हैं ज्ञानेश्वर जी जो कि जलगांव महाराष्ट्र से हैं, और ये जानना चाहते हैं कि इनके क्षेत्र में इनके राज्य में कितनी सब्सिडी है, तो कहां से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? हेलो, ये जानकारी हाँ जी, अपने राज्य में जैसे मैंने कहा दो तीन बार इस बात का जी हाँ, दो तीन बार इस बात का जिक्र हुआ कि सब्सिडी कहाँ से मिल सकती है। तो ये सब्सिडी जानने का सबसे सरल तरीका है, जो संबंधित कृषि विभाग है या बागवानी विभाग है वो बिल्कुल सटीक सही जानकारी देगा। दूसरा, अगर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से सब्सिडी लेनी है तो वो 50% सब्सिडी देते हैं, वो वहां से भी संपर्क किया जा सकता है। तो मेरा सुझाव इन्हें ये रहेगा कि सब्सिडी के बारे में पॉलीहाउस पे कितनी सब्सिडी मिलती है, संबंधित कृषि विभाग जिस राज्य का है वो बिल्कुल सटीक जानकारी इनको देगा। जी बिल्कुल, चलिए बात कर लेते हैं मधुमक्खी पालन पर। सर जैसे कि हम बात कर रहे थे कुछ बीमारियां हैं जो मधुमक्खी पालन में जिनका ध्यान रखना जरूरी है, तो वो कौन कौन सी बीमारियां, कैसे इसकी पहचान की जाए? बिल्कुल, जो है कुछ समस्याएं, क्योंकि मधुमक्खी जो है वो भी एक सामाजिक कीट है, उसमें भी कुछ बीमारियां कुछ कीट जो है उस पर आक्रमण करते हैं, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं बात करता हूं कि जिनके कारण अक्सर जो है परेशानी मधुमक्खी को आती है, जैसे एक जीव है माइट, माइट एक यानी कि इसको चिचड़ टाइप एक कीट होता है, कीड़ा है, वो क्या करता है कि मधुमक्खी से खून यानी कि ब्लड को चूसता है, वो धीरे धीरे मधुमक्खी कमजोर होने लगती है और जो है धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो माइट के लिए आपको ध्यान रखना है कि चीचड़ जैसी लाल रंग की जीव है और ये मधुमक्खी पे आपके बॉक्सों के पास आ जाती है, वो धीरे धीरे उनको नुकसान करने लगती है। तो इसके लिए आपको खासकर जो आपका बरसात का मौसम है या आप सर्दी का जो मौसम है, ये 12 महीने इसका प्रकोप कभी भी हो सकता है, तो इसके लिए आपको जो है कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक तो आपके जो बॉक्स हैं उसकी साफ़ सफाई का आप विशेष ध्यान रखें, नहीं तो कई बार क्या कोई साफ़ सफाई आपने नहीं की तो उसके कारण भी बीमारी आ जाते हैं, कुछ फफूंद भी आ जाते हैं, मोश्चर अधिक हो और जो है साफ़ सफाई ना हो तो मोश्चर आ जाते हैं। तो इसके लिए आप ऑर्गेनिक रूप से आप इसका जो है आजवान सत आता है मार्केट में, बाजार में मिलता है, पंसारी के यहाँ भी मिल जाता है, उस अजवाइन को आप लगभग 1 से 1.5 ग्राम की एक छोटी छोटी पोटली बना लीजिए और उन हर बॉक्स में एक जो है फ्रेम के ऊपर एक रख दीजिए, तो जो उसकी स्मेल होगी उसकी गंध होगी उसके कारण जो ये माइट कीट है
जो कीड़ा है ये इससे इसकी सुरक्षा रहेगी। वो लगभग इसका जो आपने जो पोटली रखी है, आपने जो अजवाइन सत्र रखा है, 20 से 30 दिन तक ये कार्य करेगा। इसके उपरांत फिर आप दोबारा से बना कर उसमें रख सकते हैं। तो आपको माइट कीट की सबसे बड़ी समस्या आपके मधुमक्खी में आती है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है सर। अजीत कुमार हमारे साथ एक दर्शक है रोहतास से, इन्होंने हमें कॉल किया है। अजीत जी बताइए क्या सवाल है, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? अजीत जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैम नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार अजीत जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पाली हाउस लगाने में कितना सरकार सब्सिडी देती है और कितना खर्च आता है? ज्यादातर जो हमारे दर्शक यही जानना चाहते हैं। और प्रदीप जी मुझे लगता है आपका जवाब फिर से वही होगा कि अपने क्षेत्रीय कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करें। अजीत कुमार है रोहतास बिहार से, क्या कहना चाहेंगे इन्हें? जी मैंने जैसे कहा कि अच्छी बात है कि लोग जो है वो संरक्षित खेती में रुचि ले रहे हैं, तो लगभग 50 से लेकर 80% तक सब्सिडी जो है वो अलग अलग सरकारें दे रही हैं। केंद्र सरकार का जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है वो 50% तक सब्सिडी देता है। इसके अलावा जो राज्य सरकारें हैं, अगर मैं हिमाचल की राज्य सरकार का उदाहरण दूं तो मैं 2-3 बार पहले भी कह चुका कि इसमें लगभग 80% सब्सिडी जो है वो प्रदेश सरकार दे रही है। तो ये राज्य सरकारों का अलग अलग नियम है कि वो कितनी सब्सिडी अपने किसानों को पॉलीहाउस बनाने के लिए दे सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से लेना चाहें तो 50% तो है ही सब्सिडी, और अगर राज्य सरकार को इससे अधिक सब्सिडी देती है तो ये वहां संपर्क कर सकते हैं। जी, जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने सारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, उन्हें जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और डॉक्टर राणा, आप क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया, तो आप हमारे दर्शकों को जो मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए हमारे किसान हैं या फिर करना चाहते हैं, अंत में उन्हें और क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जैसे अभी जो है मैं बताना चाह रहा था माइट की, थोड़ा सा क्योंकि बीच में कॉल आ गई थी, तो इसके साथ आप जो अजवाइन सत्र मैंने बताया, साथ ही साथ एक थाइमोल आता है, थाइमोल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और फॉर्मिक एसिड है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी एक समस्या आती है जिसको कहते हैं मोमी पतंगा। मोमी पतंगा के कारण अधिकतर जो है कई बार परेशानी आती है, क्योंकि ये एक कीट है और मधुमक्खी में कई बार बहुत नुकसान पहुंचाता है, और इसके प्रकोप के कारण कई बार मधुमक्खियां जो हैं अपने परिवार को छोड़ कर अपने बॉक्स से दूर चली जाती हैं। तो आपने मोमी पतंगे का भी विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपने जो पेस्टिसाइड की हमने पहले भी बात की थी, ये ध्यान रखना है कि किसी तरह का पेस्टिसाइड का आसपास अधिक इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको जो है, आपको जो वेदर का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होती है जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो मधुमक्खी बाहर निकलती है तो उसको नुकसान होता है, बहुत सारी मधुमक्खी मर जाती है। तो ये ध्यान रखना कि ज़्यादा सर्दी है तो जो बॉक्स का जो गेट है या द्वार है उसको कुछ समय के लिए, सुबह के समय जब ज़्यादा ठंड है तो कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए, और उसके उपरांत जब मौसम थोड़ा ठीक हो जाए तब बॉक्स को मुँह का जो है खोलिए, ताकि मधुमक्खी बाहर जाए और फिर अपने लिए भोजन जो है वो लेकर आए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राणा आपका भी, आप भी स्टूडियो में आए और दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी आपने मधुमक्खी पालन पर। और हम आशा करते हैं कि आज जो हमने जो बात की दोनों विषय पर, चाहे वो मधुमक्खी पालन हो या फिर पॉली हाउस में सब्जियों की संरक्षित खेती हो, बहुत सारी जानकारियां हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को इससे ज़रूर लाभ होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि कल के हमारे हेलो किसान का विषय क्या रहने वाला है। कल का हमारा विषय है तिलहनी फसलों की खेती, अलसी और सरसों की हम विशेष तौर पर बात करेंगे, और साथ ही दूसरा विषय होगा गेंदे की व्यवसायिक खेती, यानी फूलों में गेंदे की व्यवसायिक खेती कैसे हमारे किसान कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, सभी सोशल मीडिया पर हम उपलब्ध हैं। आप फेसबुक पर जाएं, हमारा आईडी नोट कर लें, हेलो किसान डीडी लाइव हमारा आईडी है। इंस्टाग्राम पर अगर आप हैं तो इंस्टाग्राम पर hello.kisan से हमारा आईडी है, और ट्विटर पर भी हम उपलब्ध हैं हेलो किसान डीडी के नाम से। तो ये तीनों आईडी हैं, बिल्कुल आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आसान तरीका और बता देते हैं, डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-113060, सोमवार से शनिवार
बार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान आप कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड कराएं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और चलते चलते एक और जानकारी आपको दे दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम यानी हेलो किसान हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल नोट कर लें @DDKisanChannel और साथ ही इस QR कोड को स्कैन करें और देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर हेलो किसान, इसके साथ ही डीडी किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी आप देख सकते हैं। तो जरूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी हमारे इंस्टाग्राम ट्विटर और फेसबुक के आईडी है उनसे भी आप जुड़े ताकि सीधा संपर्क हमारे साथ आपका बना रहे और आपके सवालों को हम कार्यक्रम में अपने विशेषज्ञों के सामने रखते रहें। इसी के साथ यहां लेंगे आपसे इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात अगले अंक में नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।